क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 के इक्वल है देन यानी कि तब हमें कॉस पर पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस पर पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस पर पावर 8 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा प्लस 2 कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 का वैल्यू हमें निकालना है। अगर तुम इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ चीज जो दिखेगा कॉमन टाइप का चीज दिखेगा, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, ये दोनों एकदम 3 है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। इस टर्म को, ये सारे टर्म को देखा जाए, सारे टर्म में क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 3, यहाँ दिख रहे हैं 3, और ये दोनों फ्री फ्री दिख रहा है। तो हम लोग अलजेबरा जब पढ़े थे उसमें 3 का फॉर्म वाला कोई फॉर्मूला हम लोग जरूर सुने होंगे और देखे होंगे। जो फॉर्मूला ऐसा दिखा होगा तुम्हें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये जो था वो इस चीज का फॉर्मूला था, a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला था। क्या था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² था ना फॉर्मूला। तो इस बात को अगर ध्यान से यहाँ देखा जाए और इस चीज को यहाँ अप्लाई किया जाए तो कुछ इसी प्रकार का रूप में ये दिख रहा है कि 3 इसके साथ है, 3 इसके साथ है, ए स्क्वायर बी है, 3 इसके साथ भी है और ए बी स्क्वायर है। यानी हम इस चीज को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इसको 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 इस फॉर्म में देखते हैं बेनिफिट है या नहीं। उससे पहले हमारे पास जो गिवन है, ये चीज गिवन है, तो जो गिवन पार्ट है उसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। है हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल है। और अगर यहां से हम लोग निकालने चले कि साइन थीटा क्या होगा तो 1 प्लस का इधर है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा। मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया, सारा टर्म कॉस के फॉर्म में है, ये टर्म साइन के फॉर्म में दिया है तो इसे भी हम कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जबकि यहां पर हम डिग्री की बात करते हैं तो सारा डिग्री मैक्सिमम वैल्यू के साथ दिया हुआ है डिग्री, तो हम लोग इसको क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, जबकि यह हो जाता है कॉस पर पावर 4 थीटा, कॉस पर पावर 4 थीटा, जहां कॉस पर पावर 4 थीटा होगा वहां रिप्लेस करके डाला जा सकता है क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला देता है 1। देख सकते हैं इसमें से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां से बन जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा, यहां से बन जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, और कॉस पर पावर 4 थीटा की अगर रिप्लेस करके अगर हम डाल दें साइन स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 देगा रिजल्ट, तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रेक किए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हम लोग इस टर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। नाउ अब हम लोग लिखते हैं कॉस पर पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस पर पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस पर पावर 8 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ, छोड़ लिख लेते हैं पहले एक लाइन, कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2। ठीक है, अब इस टर्म को हम लोग लिखते हैं, क्या ध्यान से देखना है क्या लिख सकते हैं। बोले कि फॉर्मूला ए क्यू बोला था, बी क्यू बोला था, तो ए क्यू को लिखने के लिए इसको क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कॉस पर पावर 4 थीटा और उसका पावर क्यू, पावर पावर मल्टीप्लाई होकर 12 पूर गया और मान लो ये सारा टर्म ए कहलाया, ये दिख गया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो बी क्यू के लिए इसको चुनते हैं हम लोग क्योंकि इन दोनों के साथ 3-3 है, मतलब इसके और इसके साथ चला जाएगा, ये 3 वाला है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का पावर होल क्यू। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, देखो ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² भी फॉर्मूला बोला था, तो 3a की जगह पर क्या वैल्यू है अपना कॉस पर पावर 4 थीटा स्क्वायर है फॉर्मूला में इंटू बी, बी की जगह पर क्या है
तो बी की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा। इस लाइन को तुम ध्यान से देखना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस पर पावर 8 थीटा और कॉस पर पावर 2 थीटा, बेस इक्वल है कॉस पर पावर 10 आ गया होगा, देखो कॉस पर पावर 10 थीटा, क्लियर है। प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है कॉस टू दी पावर 4 थीटा, कॉस टू दी पावर 4 थीटा, जबकि बी के जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन फार्मूला में बोला है बी का पावर 2, तो बी के पावर 2। अब यहां देखो पावर पावर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो गया, और बेस इक्वल होने के कारण पावर पावर ऐड होकर के 4 4 8 हो गया, और देखो यहां भी पुड़ गया 8 और सामने है 3, सामने है 3, तो दिख गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, दिख गया। यहां पर सभी में 2 है, हम लोग यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से मेरे पास बन जाता है कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2, तो कॉमन ले चुके थे तो बच गया 1, ठीक है यहां तक। अब तुम लोग ध्यान से इस चीज को देखना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, क्या चीज का फॉर्मूला था, तो a प्लस बी का होल क्यू, जबकि a की जगह पर यहाँ क्या है कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस b की जगह पर क्या है तो कॉस स्क्वायर थीटा उसके पावर होल क्यू, उसके पावर में होल क्यू। यहां से देखते हैं ये यहां से यहां तक का टर्म के लिए इतना बात लिखा जा चुका है, अब ये टर्म मेरे पास बचा है, तो प्लस 2 ब्रैकेट, यहां से हमारे पास कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये इस इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर लिख देते हैं हम लोग कॉस पर पावर 4 थीटा की जगह पर, ध्यान से देखना कॉस पर पावर 4 थीटा की जगह पर रिप्लेस करके डाला जा सकता है क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज रहेगा, इससे बेनिफिट क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जानते हैं हम लोग 1, पावर में है क्यू, प्लस 2 ब्रैकेट कॉस पर पावर 4 थीटा की जगह रिप्लेस करके क्या डाल सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यह बात कहां से हमने ऐसा किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यह बात हमने लाया, यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो चढ़ गया इसका क्यू, प्लस 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है 1 और माइनस का है 1, तो यहां से हमने देखा 1 का क्यू 1 आया, जबकि 2 इंटू 1 में से 1 गया तो 0, और 1 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0, और हमें रिजल्ट के तौर पे मिलता है 1, और यही फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो, तो इसको कर लो नोट।